हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में एक बार फिर से रोडवेज बसों के पहिए थम गए। विभिन्न लंबित मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया। इससे रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वे दूसरे साधनों से गंतव्य स्थानों तक पहुंच रहे हैं। राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक के प्रदेश सचिव लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि करीब 1000 नई बसों, 8000 कर्मचारियों की भर्ती सहित विभिन्न लंबित मांगों को लेकर रविवार रात 12 बजे से चक्का जाम शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि यातायात मंत्री यूनुस खान की अध्यक्षता में संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित पदाधिकारियों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए वार्ता बेनतीजा रही। इसके बाद रोडवेज कर्मी रविवार मध्य रात्रि 12 बजे चक्का जाम हड़ताल पर चले गए। सोमवार को हड़ताल का असर देखने को मिला। रविवार देर रात रोडवेज की ओर से पहिए थाम देने के बाद सोमवार सुबह यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। सप्ताह की शुरुआत के दिन रोडवेज कर्मियों के धरने पर बैठने के चलते दूर दर्राज के क्षेत्र में आवागमन करने वाले यात्रियों के पसीने छूट गए। खासकर स्कूलों में पढ़ने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को दिक्कत हुई। साथ ही प्राइवेट बसों की ओर से मनमाना किराया वसूला जाने लगा। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।